Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Yesterday, I updated one news about RRB in Madhya Pradesh that this much number of vacancies have increased. Now, some of you are asking, sir, there is no notification, no update till now. I told you this information based on information sent by bank to IBPS. Usually, updation of notification may take time. Since you are applying and the information was available with me, which is the authentic information I shared with you, you can rely on that information and take your decision accordingly. You may have modified notification before last date, may not have. And if they will not issue any revised notification before that date, they will not even intimate through modification and notification. But vacancies are communicated by the bank to IBPS. So you can rely on that information and act accordingly and fill your options according to that. If you are not having confidence on those vacancies, you take your own decision. You are free to take any decision. But if I share something, it is always authentic and based on information provided by authentic source. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल हमने RRB की वैकेंसी के बारे में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के एक बैंक ने रिवाइज वैकेंसीज का इंडेंट IBPS को भेजा. अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी तो वो अपडेट नहीं हुआ IBPS की वेबसाइट पे. कोई भी इंटीमेशन जो IBPS को आती है वो ऐसा संभव नहीं होता कि इमीडिएटली अपडेट हो जाए. ऐसा संभव ही नहीं है. वो अपडेट हो भी सकता है और अपडेट का नोटिफिकेशन ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है. पर वो वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, ये अथेंटिक है. अब ये आपको बताने का हमारा मकसद ये था कि अब लास्ट डेट नज़दीक है, ताकि आपको पता हो कि ये वैकेंसी बढ़ चुकी हैं. अब आपको पता होगा ये वैकेंसी बढ़ चुकी हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस भर सकेंगे. और अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, मॉडिफाइड आएगा, तो ये आपकी च्वाइस है. अगर आपको विश्वास है जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर लीजिए. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अपने मन के अंदर, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए. ठीक है, आप तो फ्री है इस चीज़ के लिए. पर कोई इन्फॉर्मेशन आई और आपके लिए यूज़फुल है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. पर IBPS उसको इमीडिएटली अपडेट कर देगा, ऐसा तो कोई इंश्योर नहीं कर सकता. वो अपडेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट पे, ये भी नहीं कहा जा सकता. पर इतनी वैकेंसीज हैं ये सर्टन है. ठीक है, ये सर्टन इसलिए क्योंकि इस बैंक ने इतनी रिक्विजिशन भेज दी है और ये जिस भी व्यक्ति ने बताया है वो एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन से बताया, तो इसमें हमें कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए. बाकी आपको अपने मन से विचार करके काम करना चाहिए. अगर आपको विश्वास आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन पे, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए. आपको लग रहा है कि ये अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तो आप अपने मन से लीजिए, जो लास्ट अवेलेबल नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर है. पर ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है, सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाहता था क्योंकि लगातार क्वेरीज आ रही है और काफ़ी लोग कमेंट कॉलम में भी मेंशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना के आपको बिल्कुल आपका मन हल्का कर दें, आपको क्लियर कर दें कि ये सिचुएशन है. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके हित में होती है हम कोशिश करते हैं चैनल पे आपसे शेयर कर दें. गॉड ब्लेस यू ऑल.